हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज के इस सेशन में आइए हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट का जो आपका सफलतापूर्वक सारी प्रोसेस कम्प्लीट हो गई हैं, जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर अभी एडमिशन नहीं हुआ है, जिनका एडमिशन हो गया है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी बातें हम आपको बताएंगे। और इस पर देखिए थंबनेल पर आपको क्या लिखा है कि हरदोई कैंपस और गोंडा कैंपस में गलती से भी मत लेना एडमिशन। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कौन कह रहा है, ये जो कानपुर में कोचिंग संस्थान वाले हैं ये इतना ही ज़्यादा अफवाह गेन कर रहे हैं भाई साहब, हद हो गई है। ऊपर से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में घुस करके ये लोग पर्सनल प्रत्येक बच्चे को मैसेज भी कर रहे हैं, इतनी नीचता हरकत किया जा रहा है इनके द्वारा, क्या बताया जाए। अब हम चाह रहे हैं कि सभी बच्चों का एडमिशन हो जाए, सभी हमारे छोटे भाइयों का एडमिशन हो जाए, लेकिन ये चाह रहे हैं कि नहीं, ये छोटे भाई जो हमारे हैं, प्रिय हमारे मित्र हैं, इनका सिलेक्शन हमारे कोचिंग में हो, मतलब ये लोग हमारे कोचिंग में आकर के पढ़ें, उसके बाद ये टॉप रैंक या अच्छा रैंक में लाने के अगले वर्ष सक्षम प्रयास करेंगे। ठीक है, मान लीजिए इस वर्ष आपका 2000 रैंक है, क्या पता अगले वर्ष कोई देखा है, कहीं एनटीए को दे दिया या फिर आपका कुछ भी परिवर्तन कर दिया, तो क्या आपकी 2000 रैंक है तो वही रह जाएगी, या फिर हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो गई, कुछ भी कोई पारिवारिक समस्या आ गई, आप कोचिंग नहीं कर पाए, संस्था में एडमिशन नहीं हुआ है, फिर एक साल का गैप होगा। एक साल गैप होना का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, एक साल की वैल्यू आप लोग समझिए। ठीक है, और हमारी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, आप उस चीज़ को भी समझिए। हम ये नहीं चाहते कि आपका साल बर्बाद हो, साल बर्बाद मत कीजिए, और जो लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अपना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप एडमिशन कहीं ना कहीं ले लीजिए। ठीक है, अब चलिए हम दो मुख्य बातों पर करेंगे। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर कानपुर की तीन कैंपस है, एक इटावा कैंपस है जिसमें इंजीनियरिंग की क्लासेस चलती हैं, फिशरीज की चलती हैं, दूसरी कैंपस है लखीमपुर जहां पर केवल व केवल बीएससी एग्रीकल्चर चलती है यूजी का, फिर तीसरा जो नया कैंपस इस वर्ष से आया है वो आपका आया है हरदोई कैंपस, जहां पर बीएससी एग्रीकल्चर की 60 सीटें हैं, 45 फ्री 15 पेड। ठीक है, तो हरदोई कैंपस की क्लासेस सर कहां पर चलेंगी, कैंपस क्या खराब है, सही है, लखीमपुर वाले बच्चों से पूछिए, बहुत अच्छा कैंपस है, खराब नहीं है, हरदोई कैंपस भी आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सीएसए यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाई होगी, जो भी छात्र, एक एडवांटेज उसका बता दूं लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए जो भी लखीमपुर कैंपस में एडमिशन लेती हैं या फिर आपका हरदोई कैंपस में लेती हैं, दोनों के दोनों का जो शिक्षण संस्थान का कार्यरत होता है, मतलब यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाया जाएगा, सीएससी यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में रह करके गर्ल्स को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, गर्ल्स सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दें, जो सीएससी में जिनकी अच्छी रैंक नहीं है वो फ्री या पेड जो भी लेना चाहती हैं, जो अफोर्ड कर पाती हैं, आप लोग सीएससी यूनिवर्सिटी में यदि पढ़ना चाहती हैं तो आप लोग हरदोई कैंपस और लखीमपुर कैंपस दोनों कैंपस आप ले लीजिए। ठीक है, अब बात बॉयज़ की करते हैं। बॉयज़ देखिए लखीमपुर कैंपस में जा कर के पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, वो भी बहुत बेहतरीन है, ठीक है, ख़राब नहीं है। दूसरी बात, आपका हरदोई कैंपस की क्लासेस कहाँ पर चलेंगी, क्या हरदोई में चलेगी क्या मेन कैंपस में चलेगी, बॉयज़ गर्ल दोनों के लिए। हरदोई कैंपस अभी पूर्ण रूप से बना नहीं है सुचारू रूप से, और सीएसए यूनिवर्सिटी के पास इतनी हॉस्टल फैकल्टी खाली है, शिक्षण संस्थान के लिए आपके क्लासेस खाली हैं, जहाँ पर एडमिशन कराया जा सकता है और शैक्षणिक कार्य कराया जा सकता है हमारे सीएसए यूनिवर्सिटी के दौरान। ठीक है, तो आप लोग हरदोई कैंपस में जो लोग एडमिशन लिए हैं अफवाहों में मत फंसो यार, मेरी बात सुना नहीं करते हो आप लोग, आप मेरी बात से सहमत हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, जिससे हम समझ जाएंगे कि आप मेरी बात से सहमत हो। ठीक है, हरदोई कैंपस खराब नहीं है, हरदोई कैंपस में आप सिलेक्शन लीजिए, दबा के लीजिए, अगर मेन कैंपस में नहीं मिलता आप पूरा मेन कैंपस का मजा लेंगे, हरदोई कैंपस में एडमिशन लीजिए, मेन कैंपस में आप पढ़िए, दोनों आपका सीएसए यूनिवर्सिटी का सपना भी आपका पूरा हो जाएगा और आपका एडमिशन भी डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आइए गोंडा कैंपस की बात करते हैं। देखिए गोंडा कैंपस एनडीयूटी के कितने कैंपस हैं, एनडीयूटी की भी तीन कैंपस हैं, एक अम्बेडकर नगर में इंजीनियरिंग कॉलेज है
और दूसरा है आपका आजमगढ़ कैंपस में जहाँ पर BSc AG की पढ़ाई होती है, ठीक है। तीसरा आपका जो नया बना है इस वर्ष गोंडा कैंपस, ठीक है, करनैलगंज में, ठीक है। तो करनैलगंज वाले की जो भी क्लासेस हैं वो सफलतापूर्वक आपकी जानते हैं कहाँ पर चलेगी, वो NDUT के मेन कैंपस में चलेगी। NDUT आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में चलेगी गोंडा की सारी क्लासेस, ठीक है। अब वहाँ का एडवांटेज देखिए, आजमगढ़ का, आजमगढ़ के जितने भी गर्ल्स होंगे उनका पढ़ाई होगा मेन कैंपस NDUT में, ठीक है। और दूसरा बात, गर्ल्स और बॉयज दोनों का जो गोंडा कैंपस में ले लेंगे एडमिशन, उनका एडमिशन होगा मेन कैंपस में, ठीक है। मेन कैंपस में आपको शैक्षणिक कार्य कराया जाएगा, मेन कैंपस में ही आपको रहने के लिए हॉस्टल मिलेगा, वहीं से सारा एग्जामिनेशन, वहीं से सारी आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, ठीक है। हरदोई कैंपस और गोंडा कैंपस दोनों में एडमिशन ले लेते हैं, तो दोनों के दोनों 4 साल तक आपको CSA University में ही पढ़ना होगा। 4 साल आपकी क्लासेस जो है CSA University में ही चलेंगी, इसके लिए घबराइए नहीं, ठीक है। कम से कम इनको बनने में 2 से 3 साल लगेंगे, ठीक है, 3 साल लगेंगे, तो 1 साल आपका बच जाएगा, तो यूनिवर्सिटी आपको भगाएगी नहीं, यूनिवर्सिटी कहेगी अब इन बच्चों को हम डिग्री पूर्ण करके यहीं से भेजते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग अफवाहों में कृपया ना फंसें। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है आप हमारी टीम से संपर्क करिए, और जो लोग सीट नहीं मिली है तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहिए, हमारे इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको, पर्सनल लिंक हमारी मिलेगी, उस पर आप क्लिक करिएगा, हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए, जो भी आपको दिक्कत हो रही है आपको पूरा का पूरा सहयोग मिलेगा, ठीक है। साथ में आप हमारे ब्लॉग वाले चैनल को, यहाँ पर दिया हुआ हैंडल, इसको जाइए यूट्यूब पर सर्च करिए मनीष सर ब्लॉग, उस वाले ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जानते हैं क्या मिलेगा आपको बेनिफिट। उसमें आपको जो भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, जहाँ जहाँ भी यूनिवर्सिटी में मैं विजिट करने चाहूँगा, अभी 1-2 महीने बाद जाऊँगा, ठीक है, सभी यूनिवर्सिटियों में मैं विजिट करूँगा, आपको सभी यूनिवर्सिटियों का डिसएडवांटेज एडवांटेज मतलब उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सभी बताऊँगा। अगर मान लीजिए आप ICR की तैयारी करना चाहते हैं, IRI का जैसे हमने इस चैनल पर डाला है, IRI वाला भी देख लीजिएगा। बाकी आपको किसी भी प्रकार की समस्या होगी आप हमको जरूर इंस्टा पर DM करिए, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, अब आपको क्लियर फाई हो गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है, आप लोग को प्यार मोहब्बत देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।